एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बीच सड़क पर लड़की को घेर कर उतरवाया बुर्का, ऑटो रिक्शा का सफर हुआ महंगा। त्योहारी सीजन में पानी की किल्लत, आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। भोपाल में शनिवार को कुछ लोगों ने एक लड़की को बीच सड़क पर रोक कर जबरन उसका बुर्का उतरवा दिया। वह लड़की एक लड़के के साथ एक्टिवा पर जा रही थी, इसी दौरान कुछ लोगों ने दोनों को रोक लिया। भीड़ ने उन पर कौम को बदनाम करने का आरोप लगाया। एक शख्स ने वीडियो बनाते हुए लड़की से जबरन बुर्का उतरवा दिया। हालांकि लड़के लड़की ने पुलिस से इसकी शिकायत नहीं की, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इटखेड़ी थाना प्रभारी सुनील चतुर्वेदी ने बताया कि यह घटना इस्लाम नगर की है। यहां एक्टिवा सवार एक युवक शनिवार दोपहर एक लड़की के साथ पहुंचा था। एक्टिवा पर फुलमाला चढ़ी हुई थी, जबकि उसके साथ एक लड़की बुर्का पहने हुई थी। यह देख कुछ लोगों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया, जिसके बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने वीडियो बनाते हुए लड़के से बुर्का उतारने की जिद की। इस दौरान लड़का लड़की गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन भीड़ ने उन्हें नहीं छोड़ा। मजबूरी में लड़के के कहने पर लड़की ने बुर्का उतार कर लोगों को दे दिया। दूसरी खबर, ईंधन दर वृद्धि के चलते पुणे में अब ऑटो रिक्शा से सफर करना महंगा पड़ेगा। पहले 1.5 किलोमीटर के लिए 2 रूपए, जबकि इसके बाद हर किलोमीटर पर 1 रूपए किराया बढ़ाया जाएगा। गुरुवार को पुणे आरटीओ ने रिक्शा के किराए वृद्धि को मंजूरी दे दी है। 8 नवंबर से नया रेट लागू होगा। पुणे पिंपरी चिंचवड़ व बारामती शहर में नया रेट लागू होगा। पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहे ईंधन की कीमत व खटुआ समिति की सिफारिश को लागू करने की रिक्शा संगठनों की मांग के कारण आरटीओ ने यह नई रेट मंजूर की है। किराया वृद्धि संदर्भ में आरटीओ कार्यालय में रिक्शा संगठनों के साथ बैठक भी की गई थी। इस बैठक में किराया बढ़ाना निश्चित किया गया है। तीसरी खबर, त्योहारों के सीजन में पिपरी चिंचवड़ के सभी क्षेत्रों में पानी सप्लाई ठप हो गई है। कई जगहों पर कम दबाव से पानी की आपूर्ति हो रही है, जबकि कई जगहों पर पिछले 2 दिनों से पानी नहीं आया है। इसकी वजह से नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन का रवैया बेहद ढीला ढाला है। बार बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन को समस्या के समाधान के लिए मुहूर्त का इंतजार है क्यों? यह सवाल स्थायी समिति की बैठक में नगर सेवकों ने उठाया है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।